29 जून का दिन किसी भी भारतीय के लिए भूल पाना नामुमकिन है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतकर भारतीय फैंस का 13 साल का लंबा इंतजार खत्म कर दिया है। फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त देकर भारत चौथी बार विश्व कप चैंपियन बना। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा काफी भावुक नजर आए और उन्होंने बारबाडोस की मिट्टी खाकर खिताबी जीत का जश्न मनाया। हिटमैन के इस सेलिब्रेशन का वीडियो ICC ने शेयर किया, जिसने फैंस के दिलों को जीत लिया। 29 जून को बारबाडोस में ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच खेला गया, जिसको जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। भारत दो बार T20 विश्व कप खिताब जीतने वाला तीसरा देश बन गया। विराट कोहली, रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ के लिए यह वर्ल्ड कप बेहद ही खास था। टीम को चैंपियन बनाने के बाद जहां हिटमैन और किंग कोहली ने T20 से संन्यास का ऐलान कर दिया है, वहीं टीम इंडिया के मुख्य कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ का कार्यकाल भी खत्म हो गया है। ऐसे में इन तीनों के लिए टूर्नामेंट का टाइटल जीतना किसी सुनहरे सपने से कम नहीं था। वहीं भारत के चैंपियन बन जाने के बाद रोहित शर्मा ने अनोखा सेलिब्रेशन कर फैंस के दिलों को भी जीत लिया है। दरअसल वह ट्रॉफी हासिल करने के बाद मैदान पर गए और बारबाडोस की मिट्टी खाते नजर आए। इसके बाद उन्होंने कैनिंगस्टन ओवर की जमीन को नमन किया। रोहित शर्मा के इस जश्न को दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं। भले ही रोहित शर्मा के सेलिब्रेशन का तरीका काफी यूनिक था, लेकिन इसने फैंस को पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की याद दिला दी। दरअसल जब सचिन तेंदुलकर ने 2013 में अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहा था, तब मैच खत्म बाद उन्होंने भी वानखेड़े की पिच को नमन किया था। गौरतलब है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा के T20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर नजर डाली जाए तो उन्होंने 159 मैच खेले हैं। उन्होंने 151 पारियों में 31.34 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक, 32 अर्धशतक, 383 चौके और 205 छक्के जड्डे हैं।